बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा एक ऐसी अभिनेत्री हमेशा से रही हैं जिन्होंने खास तौर पर बॉलीवुड के बड़े खान्स के साथ खास रिश्ता रखा है। बच्चन परिवार के साथ जिनका है गहरा रिश्ता, जिनका है खान परिवार के साथ खूबसूरत रिश्ता, जिनकी है बॉन्डिंग कपूर फैमिली के साथ, वो प्रीति जिंटा आज भले ही बॉलीवुड में नहीं कर पा रही है राज, लेकिन विदेश में एनआरआई हस्बैंड के साथ शादी रचाने के बाद उन्होंने जिंदगी अपनी बेमिसाल की। लेकिन आज भी लोगों को है इंतजार प्रीति जिंटा की फैमिली प्लानिंग का। जी हाँ, करीना ने 40 की एज में दो बच्चों को जन्म देने के बाद अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ मदरहुड दोबारा एंजॉय करना शुरू किया है। तो दूसरी ही तरफ कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा भी फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत जल्द गुड न्यूज देंगी। लेकिन इनसे भी ज्यादा उम्र में बड़ी प्रीति, जिनकी शादी को हो चुका है 5 साल, साल 2016 में मार्च के महीने में विदेशी हस्बैंड यानी कि जीन गुडेनव के साथ शादी रचाने के बाद जिस प्रीति ने अमेरिका में शिफ्ट होकर अपना घर बसाया, वो प्रीति दोबारा मुंबई लौट आई। सवाल ये है कि क्यों मां नहीं बन पाई है 46 की उम्र में प्रीति। शादी को हो चुके हैं जब 5 साल और शादीशुदा जिंदगी भी जिनकी गुजर रही है रंगीन। तो आपको बता दें कि प्रीति जिंटा फिलहाल कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करने में बिजी है। प्रीति अपने आप को मेहनत के साथ मेंटेन कर रही है। फिलहाल प्रीति का फोकस फिट रहना है, क्योंकि गौर हो तो दबंग फिल्म के चौथे सिक्वल के लिए जिस प्रीति जिंटा को तैयार होते हुए देखा गया, उस प्रीति जिंटा को अब भी अपनी फिल्मों को लेकर है आस। गौर हो कि प्रीति जिंटा बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर जब लौटी थी एक फिल्म को लेकर, और फिल्म जब पूरी तरह से फ्लॉप हुई तो प्रीति जिंटा को फाइनेंशियली इसका नुकसान भुगतना पड़ा, जिसके बाद उसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने काफी काम किया। वैसे तो किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़ने के बाद प्रीति को काफी अच्छी उपलब्धि मिली है, लेकिन अभी भी प्रीति अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर, बच्चों के लिए प्लानिंग को लेकर कोई भी जवाब नहीं देना चाहती हैं। प्रीति मां बनने से हटकर फिलहाल अपनी लाइफ, अपनी ऑक्यूपेशंस को लेकर ही फोकस्ड है। कुछ प्रोजेक्ट्स है जिन्हें उन्हें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।